हेलो, इससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होती है, ईच। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट नियोजन में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ब्रांच इंपॉर्टेंट होती है और कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है। पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट नियोजन के फैक्टर्स। यदि आपको प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले जो मेन चीज आती है वो क्या है, दूसरी क्या है कि टाइम पॉलिसी ऑब्जेक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लान बनाने के लिए आपके पास टाइम सूची होनी चाहिए, समय सूची होनी चाहिए, आपके पास बजट होनी चाहिए, बजट बनाएंगे हम, हर ऑब्जेक्ट क्या हमारा उद्देश्य क्या निर्धारित करेंगे हम, और फोर्थ क्या है पॉलिसी मीडिया बनाएंगे। इसके अलावा हो सकता है प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, व्यू रचना बनाएंगे हम। ये सारे फैक्टर्स होते हैं प्लानिंग के लिए, यानी कि प्लानिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के संबंधी प्लानिंग करने के लिए विपणन संबंधी विभिन्न ऑब्जेक्ट, बजट, टाइमिंग, पॉलिसी, प्रोग्राम और व्यू रचना यहाँ पर तैयार की जाएगी। सेकेंड बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन संगठन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेन जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या है, सार मीटर, दूसरा समूह होना चाहिए और तीसरा होता उद्देश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे। देखो प्रत्येक देश अन्य देशों में जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि वहाँ बाजार व्यू रचना बनाई जाती है। अब आपके यहाँ से माल भेजना है, ये भी तो हो सकता है कि टायर मेरी ब्रांच वही स्थापित कर दूँ मैं, वही माल तैयार हो वहीं से हो जाए, ये भी हो सकता है। रीजनल एरिया, रीजनल और ब्रांच हो सकती है, और तीसरा हेडक्वार्टर्स, जहां से डायरेक्ट आपको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, अंतिम रूप से सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को मैंने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, तो इसमें तीन बताया ना, एयरपोर्ट होना चाहिए, ब्रांच हो सकती है, रीजनल एरिया हो सकता है, और बीच बीच में एजेंट फ्रेंचाइजी ये भी हो सकते हैं। यह आपका हो गया संगठन। अब बात करें नियंत्रण की, तो नियंत्रण के प्रोसेस के बारे में बात कर लो। और प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले प्रभाव विधायक किए जाते हैं, फिर प्रभाव को व्यक्ति को सौंपे जाते हैं, सौंपने के बाद एक्चुअल और एस्टिमेट का माप जो होता है उनकी तुलना की जाती है, और जितना विचरण आता है उन विचरण का पता किया जाता है। यदि कार्य ज्यादा हुआ है तो मोटिवेशन दे दो, कम हुआ है तो ऑर्डर दे दो, डायरेक्शन दे दो। तो टोटल जो हमारा ये प्रॉफिट होता है 15 में आ जाए, मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की नियोजन संगठन नियंत्रण पर टिप्पणी लिखी है, तो पहले आप परिभाषा बताएंगे तीनों की। परिभाषा बताने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विपणन नियोजन के कौन कौन से फैक्टर्स मेन होते हैं वो आपको बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट, बजट, टाइम, ठीक है। फिर आप बताओगे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से सेंटर होते हैं, आप बताइए इसमें सेंट्रल होते हैं, रीजनल होते हैं, ब्रांचेज होती है, हेडक्वार्टर होते हैं। अब आता है नियंत्रण, इसकी क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो आपका वीडियो है ये बस समाप्त हो रहा है, सिंपल सा प्रश्न यदि आ जाता है वो सिंपल प्रश्न है, यदि एग्जाम में आ जाता है 15 में आता है तो पूरा बताना है, 7 में आता है तो छोटा सा बताना है। ये वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।